इतना लोगों का ट्रैवल स्टिकर या यूट्यूब स्टिकर लगा हुआ है कि मैं अगर उधर लगाऊं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, देखेगा भी नहीं, गुम हो जाएगा भीड़ में। तो मैंने क्या किया, यूनिक बनाने के लिए टॉयलेट डोर में लगा दिया। सबको तो टॉयलेट दिन में एक बार ना एक बार आना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी बज रहा है सुबह के 7:30 बजे और ये नज़ारा काशी देलक से निकलते हुए MRWM लॉट से माउंट एवरेस्ट नूप से। एवरेस्ट बेस कैंप का सीरीज ख़त्म करने के बाद सारा होटल का एक डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपके ट्रेल में कहां कहां रहना है इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं। ऑन माई वे टू डिंगबोट से 4,350 meters। जैसे ही आप 4,000 meter के एलिवेशन क्रॉस करोगे आपको सही प्रिकॉशन लेना है यहीं से एक्यूट माउंटेन सिकनेस को रोकने के लिए। आज का जर्नी है करीब 11 किलोमीटर। ट्रेल कैसे नीचे चला गया है डिबोची की ओर, उसके बाद आएगा पेंगबोचे और फिर आएगा डिंगबोचे। वैसे ये भी बता दूँ, अगर आप टिंगबोचे में नहीं रह के डिबोची में रहते हैं लास्ट डे में, तो आपको डिबोचे में कहीं कहीं जगह फ्री में भी रहने को मिल सकता है, क्योंकि टिंगबोचे ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए यहाँ पर रहने के लिए चार्जेस तो लेता है। डिबोचे में जनरली कोई स्टे नहीं करता है, लेकिन बहुत सारा स्टे हाउस है उधर, लॉज है, तो वहाँ फ्री में रहने दे सकता है, जैसे मैं मोंजे में रहा था। लास्ट डे मेरा गोप्रो का मेमोरी कार्ड के साथ क्या हुआ था ये तो आप लोगों को पता ही है, नया मेमोरी कार्ड लगाया हूँ, आई होप ये फिर से ना हो। आज थोड़ा लेट भी उठा हूँ मैं, एवरेस्ट बेस कैंप के लिए ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने अच्छे से प्लानिंग किया था, स्टडी किया था, तो आज वाला रूट कल से लास्ट डे से लंबा तो है लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल है ऐसा मैंने पढ़ा था। सो डिबो से पहुंच गया हूं मैं बहुत ही जल्दी, दौड़ते दौड़ते पहुंचा ऑलमोस्ट एवरेस्ट के और पास आ गया मैं। आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने बैग में, अपने वॉलेट, पर्स, कहीं भी 2-3 copies छोड़ दे ताकि आपका कुछ प्रॉब्लम हो और यहाँ से लोकल डायरेक्टली आपके घर को कॉन्टैक्ट कर पाए आपका कंट्री कोड के साथ। फाइन एंड यू? मी टू। यहाँ ऊपर लोग झरने का ही पानी पीता है, आप ये पानी पी सकते हो लेकिन एक्वा प्योर वाटर टैबलेट डाल के। मैं जनरली ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ, कभी भी मेरा आदत नहीं है, लेकिन ये ट्रैक में मैं रेगुलर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इतना टफ ट्रैक है और मेरा बॉडी का जो कैलोरी लॉस होता जाएगा इसको मुझे कॉम्पेंसेट करना है सही से, और पानी भी रेगुलर इंटरवल में मुझे पीते रहना है। घर से दोस्तों, यूट्यूब के दोस्तों और शायद थोड़ा बहुत मेरा कॉलेग्स भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसा जगह में जब मैं आया हूँ तब मैं ये ट्रेक कंप्लीट करके ही वापस जाऊँ। सचमुच लोग मुझे पागल ही मान रहा है कि बिना कोई छोटा मोटा ट्रेकिंग एक्सपीरियंस मैं सीधा एवरेस्ट बेस कैंप चल पड़ा हूँ। किस रास्ते से आऊँ पता नहीं चल रहा है, इधर भी एक है इधर भी एक है, और मेरा फ़ोन का मैप काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, ऑन कर रहा हूँ बार बार क्रैश करके बाहर आ जा रहा है, इसलिए फ़ोन से भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मेरा ऑफलाइन मैप जो मैंने ख़रीदा था काठमांडू से ये काम आ गया, तो आई थिंक मुझे इसी तरफ जाना है, कोई है नहीं, नहीं तो पूछ लेता, सारा बैग उतार के चेक करना पड़ा। धूप आना स्टार्ट हो गया है, मैंने जैकेट फिर से खोल दिया, हाथ नम हो गया है इसलिए ग्लव्स नहीं खोला। ये जगह आप देख सकते हो कैसे लैंडस्लाइड होके मिट्टी खिसक गया, तो
दोस्तों कभी भी एज में पैर रखने की कोशिश मत कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे लूज मिट्टी है भी है या नहीं। और अब सीधा यहाँ से गिरोगे और वहाँ नहीं ऊपर चले जाओगे। यहाँ का लोग खेती करता है और इसी से इन लोगों का लाइफ चलता है। अभी मैं मिलिंग को क्रॉस कर रहा हूँ और नेक्स्ट मुझे पैंगो से पहुँचना है। कुछ देर बाद मुझे जाके इंजाखोला ब्रिज क्रॉस करना है। अगर आपको एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में खर्चा कम करना है तो कोशिश कीजिए रूम शेयर करके रहने की। मैं अकेला रूम में रह रहा हूँ, शेयर नहीं किया हूँ, तो वो करने से ऑलमोस्ट आपका एक्सपेंसेस कम हो जाएगा अगर आप अकेले आते हो। मिलिंगो से पैंगोचे का ट्रेल अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन पैंगोचे से डिंगोचे चढ़ाई होगा ये तो पता है मुझे। वाटरफॉल उधर भी एक है छोटा सा, ये देखिए। और ये सामने है इंजाखोला ब्रिज, ये क्रॉस करके ट्रेल कैसे ऊपर चला गया है एकदम पैंगोचे की ओर। और मेरे पीछे है याक भैया, तो रुक के कोई फायदा नहीं, चलते हैं। टर्न ऑफ स्टनिंग व्यू ऑफ माउंट एमाडेबलम। ऐसे ट्रेल में बहुत जगह आपको मिलेगा पत्थरों से बना हुआ है ताकि आप अपना रक्षक को रख के बैठ के रेस्ट कर सको। टारगेट मीन सी लेवल 4,350 meters डिंगोचे। देखिए यहाँ कितना मेहनत से पत्थर काट के एक एक स्टेप बना रहा है। ऐसा ऑल्टीट्यूड में चढ़ना मुश्किल हो जाता है और यहाँ कितना मेहनत से काम करता है। ट्रेल कैसे जिगजैग करते हुए हेयरपिन बेंड जैसा ऊपर चला गया है। पैंगोचे विलेज मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। तो प्लान है यहाँ पर शायद मैं लंच ना करूँ और आगे चला जाऊँगा, आगे कहीं और से खाऊँगा, उसके बाद डिंगोचे के लिए चराई स्टार्ट होगा। पैंगोचे एलिवेशन 3,906 meters, एवरेस्ट बेस कैंप 20 kilometers। सो इन जनरल जो लोग एमाडब्लम बेस कैंप करता है वो पैंगोचे में ही रह जाता है। लास्ट डे में नामचे बाजार से टिंगबोचे आया था, तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके और फास्ट ट्रैक करके पैंगबोचे आ जाता है, ये पॉसिबल है।
लेकिन एमआरडब्ल्यूएम बेस कैंप मेरा प्लान में नहीं है, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. दोज टू प्रिटी गर्ल्स, दे आर फ्रॉम पोलैंड, दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर विदाउट गाइड एंड पोर्टर. नाइस टू मीट यू टू, गुड बाय. ओके राइट. नेटवर्क अपडेट, 10 बजे तक इंटरनेट प्लस नेटवर्क सुपर फाइन काम कर रहा था. पेंगबो से आके चेक किया, सारा टावर उड़ गया. ना एनसेल है, ना एयरटेल सपोर्टेड एनसेल एनटीसी, कुछ भी नहीं है. ऊपर देखिए, यहाँ पर जो पोल लगा हुआ है रास्ते में, रात को लाइट थोड़ा बहुत जलेगा. इलेक्ट्रिसिटी सोर्स सोलर पैनल ही है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम पता चल रहा है मुझे. संग्राम डे जिंदाबाद. कोलकाता एयरपोर्ट वालों ने मेरा ऑक्सी 99 का बोतल हटा दिया. पता नहीं आगे जाके क्या होगा. झरने का पानी कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नेचुरल रिसोर्स को ये लोग यूज करता है. सामने आप पुल देख सकते हैं, नीचे से वो पुल होके ये रास्ता जो चला गया है एमआरडब्ल्यूएम बेस कैंप जाने का. अगर ये ट्रैक में आपको एमआरडब्ल्यूएम बेस कैंप करना है तो आप वो भी कर सकते हो. ट्रैक डेज में सिर्फ एक दिन ऐड कर लीजिएगा. पेंगबोचे से डिंगबोचे ऑलमोस्ट और 400 मीटर ऊपर है. अच्छा लग रहा है ना, मेरे पीछे एवरेस्ट और सीरीज आप एंजॉय कर रहे हो ना. बस यही मेरे लिए बहुत है. बेस कैंप तक जुड़े रहिएगा. मेरा ये मानना है, बिना कोई क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड किए हुए, अगर मैं हर रोज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ये सब चीज़ मांगता रहूँ, तो मैं जितना भी मांगूँ, अगर आपको पसंद नहीं होगा तो आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे. आप दुकान में जाओगे, कोई चीज़ अगर पसंद नहीं तो आप उठाओगे? नहीं उठाओगे. तो अगर आपको मेरा ये मेहनत सही लग रहा है और ये नज़ारा अच्छा लग रहा है, तो आपका हाथ खुद ब खुद उस बटन तक चला जाएगा. तो जिन लोगों का आप में से ड्रीम है एवरेस्ट बेस के माने का, अगर इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है तो मज़े कीजिए. ट्रेल अपडेट, पेंगबोचे टू सोमारे ट्रेल फ्लैट एंड ऑलमोस्ट नीचे, लेकिन पत्थरों भरा रास्ता है. ओ सोमारे विलेज है जहाँ पर मुझे लंच करना है. रिच्ड सोमारे 4040 मीटर लंच कर लेता हूँ. यहाँ से 2-2.5 घंटा और चलना है डिंगबोचे की ओर. जब भी वक्त मिले, नेटवर्क मिले, घर को इंटीमेट किया कीजिए आप कौन सा लोकेशन में पहुंचे हो. बाई चांस कहीं आपको कुछ रास्ते में ट्रेल में हो जाए तो घर वाला अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कर पाएगा और आपका लास्ट लोकेशन जहां से आपके साथ कांटेक्ट हुआ था वो शेयर कर पाएगा, तो आपको ट्रेस करना इजी हो जाएगा. दाल भात पावर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, साथ में आलू भुजिया पापड़ चटनी. लंच डन. अप टू डिंगबोचे 4 किलोमीटर्स जाना है अभी. खाना खा के चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ देर पहले मैं उधर था और रेंगते यहाँ सोमारे आ पहुँचा. सामने जब ऐसे 2-3 ट्रेल चला जाता है और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरफ जाऊँ, मैप में एक ही ट्रेल दिखा रहा है,
तो आप समझ सकते हो कि सारा ट्रेल एक ही तरफ गया है, और जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो आप ये फुट स्टेप फॉलो कर सकते हो सामने वाला ट्रेकर का। सो कुछ देर चलने के बाद ये साइन बोर्ड आपको मिलेगा, इस तरफ चला गया है पेरीचे और उस तरफ डिंगबोचे। एलिवेशन 4140 मीटर, यहाँ से करीब एक डेढ़ घंटा और लगेगा। तो आप ट्रेल देख सकते हैं कैसे वहाँ तक चला गया है, वो सामने ब्रिज तक, और ब्रिज क्रॉस करके ट्रेल का ऐसे सूट किया पूरा ऊपर स्टीपली। पहाड़ों में जैसे ही आप एलिवेशन गेन करते हुए जाएंगे तो दिन छोटा होता जाएगा, इसलिए कहा जाता है ट्रैक में स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जो लोग घोड़े से आते हैं देखिए, घोड़ा इतना स्टीप जगह पे नहीं उतर सकता है, इसलिए वो लोग उतर गया और खाली घोड़ा उतरेगा, फिर उस तरफ जाके घोड़े पे चढ़ेगा। Hi. Resting time for you. Yeah. So we have reached here. Finally, 4,200 meters. Yeah. Yeah. Like a tortoise. Ringte. So it doesn't matter. The journey you have started. Thank you. So steep chadhai ke baad, aapko aisa ek white sand dunes bhara hua flat trail milega. 15-20 मिनट बाद वेलकम टू डिंगबोचे। बैड न्यूज़, अगर आपके पास इंसेल सिम है तो डिंगबोचे में नेटवर्क नहीं मिलेगा। पहले से ही जहां लंच किया था वहां से नेटवर्क चला गया था, अभी तक नहीं आया है। मुझे एवरेस्ट लिंक कार्ड खरीदना होगा घर में सिर्फ इंटीमेट करने के लिए दैट आई हैव रीच डिंगबोचे सेफली। फाइनली डिंगबोचे विलेज, बातें करने में तकलीफ हो रहा है। सो डिंगबोचे गांव घुसते ही फर्स्ट जो मुझे लॉज मिला, स्नो लायन लॉज डिंगबोचे 4,358 मीटर्स। सामने फ्रेंड्स भी करी, बाद में ट्राई करना है, देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं। So this is the corridor and ये room है। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर आप luxury expect नहीं कर सकते हो, सिर्फ सोना है और आगे बढ़ना है, बस सोने के लिए cozy है। बाहर sunset होने वाला है, दौड़ के जाता हूँ, आके बाकी बातें करता हूँ।
रात तक -10 पहुंच जाएगा, आज स्लीपिंग बैग खोलना ही पड़ेगा। मेरा चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ये ऊपर देखिए, ये जो छोटा सा लाइट है, सारा दिन सोलर पैनल से जो चार्ज बचा था, ये उससे सारे घर में छोटा छोटा लाइट चलता है, इसलिए लाइट बहुत ही डिम है। टॉयलेट या घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो लाइट इमीडिएटली आप बंद कीजिए, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, नहीं तो आप खुद यूज़ नहीं कर पाएंगे सर्विस। आज तक स्लीपिंग बैग मुझे लगा नहीं, लेकिन ये अभी लगेगा। ऐसा चेंज डिंगबोचे में मैंने सोचा नहीं था। एक रसोई दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही है। आप मर जाओगे स्लीपिंग बैग बिना आओगे तो, आप मर जाओगे। या फिर स्लीपिंग बैग हायर करके लाइए, या फिर आप रेट दीजिए 2-3 ज़्यादा ऐसा रसोई लेने के लिए। एक से ज़्यादा लेके तो आपको चार्जेस पे करना होगा। मेरा यहाँ खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है, ये छोटा सा लाइट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, सो जाता हूँ। ये ट्राइपोल का सिबालिक सीरीज का स्लीपिंग बैग है, जो -10 डिग्री तक आपको गर्म रखेगा। करीब 3.8 kg का इसका वजन है।